पर मिला है, और डोमेन पर जो मान मिलता है उसे रेंज कहते हैं। नहीं समझ में आया बाबू? क्या डोमेन, फलन में डोमेन के मान को रखने पर फलन का जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रेंज। यक्स बराबर वन क्या है? डोमेन। टू क्या है? डोमेन। थ्री क्या है? डोमेन। फोर क्या है? डोमेन। तो जो मान मिला है 2, 4, 6, 8, ये क्या है? रेंज है बाबू। ये क्या है? फलन खत्म हो रहा है। अभी मत कहना कि फलन खत्म कब हुआ, ये बाबू फलन क्या हो रहा है? खत्म हो जाएगा। अब बाबू इसे लिखो रेंज। रेंज क्या लिखो? रेंज। तो रेंज कौन कौन है? केवल कितने मान है? 4 मान। केवल 4 मान। तो केवल 4 मान हो, केवल 5 मान हो, केवल 6 मान हो, तो दिखाते किसके अंदर है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। क्लोज्ड और ओपन कब दिखाते हैं? जब अनंत मान हो, और 2, 4, 10 मान हो तो उसको किसके अंदर दिखाते हैं बाबू? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो 2, 4, 6, 8। तो रेंज क्या हुआ सर? 2, 4, 6, 8। यह क्या हो गया? रेंज। समझे इस बात का ख्याल रखे? डोमेन के अनुसार जो फलन का मान प्राप्त होता है, क्या बाबू? डोमेन के अनुसार जो फलन का मान प्राप्त होता है उसे उस फलन का रेंज कहते हैं। 2, 4, 10 मान हो, उनको दिखाना हो तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं बाबू? कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। अब इसे मिटा दिए बाबू। तो डोमेन हमें पता हो गया, रेंज हमें पता हो गया, ठीक। अब आइए बाबू इसको मिटा दें। चलिए चलिए अब देखिए, अब हम एक जगह डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। चलिए बाबू देखिए, तो ध्यान से एफ ऑफ एक्स बराबर 2x, तो इसमें x क्या बताएगा? डोमेन। तो डोमेन का मान कौन होगा बाबू? डोमेन का मान कौन होगा? डोमेन का मान कौन होगा? 1, 2, 3, 4। बाबू डोमेन का मान हो गया, डोमेन का मान हो गया कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4। क्लियर। रेंज कौन हो गया? रेंज हो गया 2, 4, 6, 8। रेंज हो गया बाबू 2, 4, 6, 8। सब कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाए हैं? क्योंकि बाबू जब 2, 4, 5, 10 मान हो, जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, कुल कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। तो 4 संख्याओं को दिखाना हो, 5 संख्याओं को दिखाना हो, 6 संख्याओं को दिखाना हो, उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। वही अनंत मान को दिखाना, 2 से 4 तक के हर मान को दिखाना है, तब क्लोज्ड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। समझे? यह डोमेन हो गया, यह क्या हो गया? रेंज। मैंने क्या सिखाया? डोमेन में दी गई संख्याओं पर फलन का जो मान प्राप्त होता है उसे उस फलन का क्या कहते हैं? रेंज। 1 पे मान क्या प्राप्त हुआ? 2, 2 पर 4, 3 पर 6 और 4 पे 8। अतः क्या कहलाएगा? रेंज। सर को डोमेन क्या होगा? सर को डोमेन क्या होगा? तो क्या बोलोगे सॉरी बाबू? कोडोमेन क्या है? कैसा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट 1, 2, 8। क्लियर। अब कोई सवाल पूछे, ध्यान सुनना, क्या बाबू इसमें 2 है?
यहाँ कैसा ब्रैकेट लगाया यार, क्लोज ब्रैकेट। देखो तुम लोग ना पूरा भूल चुके हो, जो हम छोड़ दे, जो हम नहीं पढ़ा पाए ठीक वो तुमको याद है, जो हम पढ़ाए वो भूल गए। और कहोगे यह छोड़े हैं, मैं जानता हूँ किसी को इनक्वालिटी नहीं आ रहा है, लेकिन क्लोज ब्रैकेट हमारा लग रहा है। कब पढ़ाए थे आज फिर थोड़ा सा बता दिए बाबू, फिर सुन लो चिल्ला रहे कब से, हम शकल देख रहे हैं बाबू कई लोगों का आ किए हुए हैं कि पढ़ा क्या रहे हैं। यहाँ कोडोमेन या डोमेन हो गया, या कोडोमेन क्या है 1 to 8, इसका मतलब जो यहाँ कैसा ब्रैकेट है क्लोज, यहाँ कैसा ब्रैकेट है क्लोज, इसका मतलब कोडोमेन का मान 1 भी होगा, कोडोमेन का मान 8 भी होगा, मतलब कोडोमेन का मान 1 भी होगा और 8 भी होगा, और इनके बीच का सारा मान होगा। क्या इसमें 2 होगा, बोलो यस सर, 4 भी होगा, 6 8 होगा। तो कहोगे सर 8 भी होगा, क्योंकि यहाँ 8 क्यों होगा, क्योंकि कौन सा ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट है, और क्लोज ब्रैकेट लगा है इसका मतलब इसका मान 8 भी होगा। तो बताओ बड़ा कौन है, रेंज तुमको अच्छा बताओ, रेंज बड़ा दिख रहा है कोडोन बड़ा दिख रहा है। तो कहोगे इसमें कितनी संख्याएं हैं अनंत, इसमें कितनी है 4, बड़ा कौन हो गया कोडोमेन। क्लियर, तो सुन लो कोडोमेन हमेशा बाप होता है और रेंज क्या है बेटा। तो कोडोमेन का बेटा कौन रेंज, इसका मतलब बड़ा हमेशा कौन होगा कोडोमेन, छोटा कौन होगा रेंज, और ये कोडोमेन और रेंज में रेंज छोटा होगा या रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर होगा, समझे। ये सब बातें छोटी छोटी हैं, क्लियर। अब सुन लो बाबू, तो पहले सीख लो डोमेन रेंज और कोडोमेन, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट पीछे भगा भगा के जितना बार देखना और देख लो बाबू। तो फिर से बता रहे कोडोमेन मतलब क्या लिखा है 1 to 8, कैसा ब्रैकेट है क्लोज, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट में 1 भी शामिल होगा और 8 भी शामिल होगा, मतलब कोडोमेन का मान 1 भी होगा और कोडोमेन का मान 8 भी होगा, और कोडोमेन का मान 1 और 8 के बीच का सारा मान होगा। क्या इसमें 2.5 होगा, बोलो। क्योंकि हाँ सर, क्योंकि 1 और 8 के बीच का है, मैं बार बार सिखा रहा हूँ बाबू। क्या 4.5 होगा, बोलोगे यस सर, क्यों 1 और 8 के बीच का होगा। अब कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा रहता है सिर्फ वही होता है, उसके बीच का मान नहीं होता। कोई पूछेगा क्या 2 होगा रेंज, यस सर। 4 होगा, यस सर। क्या 3 होगा, नो सर। क्यों, कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ वही संख्याएं होती है जो दी गई होती है। 6 होगा रेंज, यस सर। 8 होगा रेंज, यस सर। पर बट 7 होगा, नो सर। 5 होगा, नो सर। समझे, बताओ कोडोमेन और रेंज में बड़ा कौन होगा हमेशा, छोटा कौन होगा। तो 2 शर्त होती है, या तो कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, या तो कोडोमेन रेंज से हमेशा बड़ा होगा। तो यहां से कितनी बातें समझ में आई, 2 बातें। पहला कोडोमेन, ध्यान से बाबू, अब इसी पे फंक्शन खत्म हो रहा है। कोडोमेन बाप है कि बेटा है, तो क्या होगा, तो बाबू कोडोमेन इज ग्रेटर देन, कोडोमेन इज ग्रेटर देन क्या बाबू रेंज। अब मेरे बच्चे समझ, सुन लो बाबू, कोडोमेन और रेंज में कौन बड़ा है, तो बाबू जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। तो बाबू ये मुंह क्या करो बाबू, खोल। पॉलिश अर्थ हो गई। अब दूसरा क्या हुआ बाबू, कोडोमेन रेंज के क्या हो सकता है बराबर, तो बाबू केवल क्या कोडोमेन कभी रेंज से छोटा हो सकता है, बोलोगे कभी ये संभव नहीं है।
को डोमेन कभी भी छोटा, बाप कभी बेटा से छोटा होगा नहीं ना। बस इतना सीखना है। अब सुनो, अब सुनो मेरे हीरो, अब ध्यान से यही बात आपको बाबू सुन लो। को डोमेन यदि रेंज के बराबर हो गया, क्या बाबू? को डोमेन यदि रेंज के क्या हो गया, इसका मतलब ये फलन क्या कहलाता है? आंटू फंक्शन। कौन फंक्शन? आंटू फंक्शन। अगर को डोमेन रेंज के क्या हो गया, बराबर, क्या बोलोगे? आंटू फंक्शन। लेकिन को डोमेन यदि बड़ा है किससे? रेंज से, तो क्या कहलाएगा? इंटू फंक्शन। इंटू फंक्शन यही हमको चाहिए था, आंटू और इंटू। आंटू कब कहते हैं? जब को डोमेन रेंज के बराबर होता है। इंटू कब कहते हैं? जब को डोमेन रेंज से बड़ा होता है। ये आपके पास अच्छे से आना चाहिए। कितना? 50 हो गया, तो बैठो तब पूरा कर लेते हैं घंटा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। अब चलिए एक छोटा सा सवाल लिखते हैं। अब और आसान सवाल लिखते हैं ना बाबू। इस बात को ख्याल रखना और मुझे बताना आंटू है कि इंटू है। आंटू कब होगा? जब को डोमेन रेंज के क्या हो जाएगा, बराबर, तो क्या बोलोगे? आंटू। और जब को डोमेन क्या रहेगा, बड़ा, किससे बाबू? रेंज से, क्या बोलोगे? इंटू। अब एकदम आसान सवाल देते हैं, एकदम लिखेंगे बाबू, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। दिमाग में थोड़ा उलझन डालोगे तब बाबू थोड़ा सा सलूशन आपको अच्छे से मिलेगा। अब देखो, अब जो थोड़ा सा खाएंगे तो और अच्छे से आएगा। चलिए, फलन में क्या दिया रहेगा? डोमेन और रेंज किसको निकालना होगा? आपको। सुन लो, जब कभी भी सवाल पूछा जाएगा कि बताइए फलन आंटू है कि इंटू है, ए मेरे हीरो, जब कभी भी सवाल पूछा जाएगा, हिंदी, कुछ बच्चे मन ही मन पूछ रहे हिंदी क्या कहते हैं, तो आंटू फंक्शन को हिंदी कहते हैं आच्छादक फलन। क्या बाबू? आच्छादक फलन। इंटू कहते हैं अंतरक्षेपी फलन। क्या बाबू? आच्छादक फलन को आंटू कहते हैं, अंतरक्षेपी को इंटू कहते हैं। क्लियर मेरे हीरो? अब सुनिए, घबराइए नहीं, सब हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ाएंगे। अभी अंग्रेजी जानिए। क्या जानिए? अंग्रेजी। आंटू फंक्शन कब होता है? जब को डोमेन और रेंज बराबर होता है। इंटू कब होता है? जब को डोमेन बड़ा होता है किससे? रेंज से। तो सुन लो, जब कभी भी आपसे आंटू और इंटू का सवाल पूछेगा यूपी बोर्ड में, तो पूरा बाबू डोमेन दिया रहेगा और को डोमेन दिया रहेगा, बस निकालना क्या रहेगा? रेंज। बार बार सवाल पूछता, बताइए फलन एकाएकी है कि आच्छादक है, बहु एकाएकी है कि अंतरक्षेपी है। आपका बाबू दो नंबर कन्फर्म। छोटा सा सवाल पूछता, बहुत प्यारा सा, एकदम छोटा सा। और सुन लो, आंटू फंक्शन, इंटू फंक्शन, कौन? आंटू फंक्शन, इंटू फंक्शन, फिर पढ़ने के लिए क्या चाहिए? वन वन फंक्शन के लिए गारंटेड इनइक्वालिटी चाहिए। इनइक्वालिटी नहीं पता है, ठेंगा मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? ठेंगा मिलेगा आपको। इसलिए ध्यान सुनिए, इनइक्वालिटी जो पढ़ाया गया है, प्लीज उसको पढ़िएगा। अब ये मत कहना कि सर, मैसेज मत कर देना बाबू कि आप क्या पढ़ा दीजिए, इनइक्वालिटी पढ़ा दीजिए। इनइक्वालिटी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, समझे? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कलर पकड़ लेंगे आपका, पढ़ा चुके हैं, बेसिक क्लास में पढ़ाते थे बाबू। लेकिन मजबूरी होगी, कुछ मेरे बच्चे कहेंगे अगर ऑफलाइन होता तो चिल्लाते और कहते सर फिर से पढ़ाइए, तो मैं थोड़ा सा
ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा अगर मन किया तो। अब मन करने वाला नहीं है, चलो इसको भी डाल देंगे यूट्यूब पे, इसको डालेंगे यूट्यूब पे। बाबू आइए बाबू, थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दे। यह डोमेन है और ये क्या है बाबू? कोडोमेन है। ये डोमेन है और ये क्या है? कोडोमेन। चलिए देखते हैं। आइए अब देखिए, मैं आपको सवाल, जब आंटू पूछेगा और इंटू पूछेगा तो क्या दिया रहेगा? फलन का डोमेन दिया रहेगा, फलन का कोडोमेन दिया रहेगा और फलन का इक्वेशन दिया रहेगा। बस आपको क्या निकालना है? रेंज। सब परोसा रहेगा खाना, अब बस बताना है कि आंटू है कि इंटू है। सुन पा रहे हो? क्या दिया रहेगा? डोमेन। क्या दिया रहेगा? कोडोमेन। आंटू इंटू निकालना है तो कोडोमेन दिया है, बस आप क्या निकाल देंगे? रेंज। बड़ा हो जाए तो इंटू फंक्शन, बराबर हो जाए तो आंटू फंक्शन। आइए आइए बाबू, आइए सिखा देते हैं। चलिए एफ इज टू, छोटा सा सवाल लिखते हैं वो, क्या लिखते हैं? छोटा सा। कौन ब्रैकेट लगा है? 3 4 5। बताओ ये फलन का क्या हो गया? बोलो हीरो। यह फलन का डोमेन हो गया बाबू। ये फलन का क्या हो गया? डोमेन। बताओ कितने मान होंगे डोमेन के? केवल 3। कौन कौन? 3 4 5। क्या 4.5 होगा? नहीं सर, क्योंकि केवल 3 ही मानोगे, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5। अब चलिए बाबू, अब बताओ कितने मान होंगे इसमें? तो केवल 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 12। पता है क्या है? डोमेन। पता है क्या है? कोडोमेन। अब मैंने बाबू आप लोगों को स्टार लगा के बाबू क्या पढ़ा दिया है? क्या लिखो बाबू? इस फंक्शन में किसका मान रखा जाता है? डोमेन में दी गई संख्याओं का मान रखा जाता है। क्या डोमेन, क्या डोमेन का मान 6 हो सकता है? नहीं बाबू। आइए अब एक सवाल है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x, ठीक। और सवाल दे दिया गया, बताइए, लिख लो बाबू पूरा सवाल, बताइए फलन आंटू है या इनटू है। सवाल आ गया बाबू, बताइए फलन आंटू है कि इनटू है। ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपके पास कि बताइए फलन आंटू है या इनटू है। क्लियर मेरे हीरो? ठीक। आइए देखिए, तो तुम जानते हो मैंने क्या कहा आपको, क्या दिया रहेगा? डोमेन और कोडोमेन। सवाल पूछा क्या आंटू है कि इनटू है, तो बाबू आंटू और इंटू के लिए क्या चाहिए? कोडोमेन चाहिए और रेंज। तो क्या पता है? कोडोमेन। बस क्या निकालना है? रेंज। बस रेंज निकाल दोगे और बता दोगे आंटू है कि इंटू। ध्यान से बताइए, डोमेन मतलब किसका मान दिया है? एक्स का। इस फलन में, इस फलन का मान किस पे निर्भर कर रहा है? यक्स पर। अर्थात यक्स क्या हो गया? यक्स इस फलन का क्या हो गया बाबू? डोमेन हो गया। और डोमेन का मान क्या दिया है आप लोगों का? 3.4.5। दो डोमेन दिया है, कोडोमेन दिया है, बस क्या निकालना है? रेंज। क्या निकालना है? रेंज। और निकालते हैं यक्स का मान क्या 1 रख सकते हो? इस फलन में यक्स का मान क्या 1 रख सकते हो? बोलोगे नहीं। क्यों?
क्योंकि हम सवाल अपने डोमेन में दी गई संख्याओं के अनुसार लगाएंगे। तो यक्स का मान क्या रख दिए? 3। तो यह आप x का मान कितना आ गया बाबू? x का मान 3। तो यह आप x बराबर 2 × 3, 2 × 3 = 6। यक्स का मान क्या रख दिए बाबू? 4। तो यह आप x का मान हो गया 2 × 4 = 8। यक्स का मान क्या रख दिए बाबू? 5। f आप x बराबर 2 × 5 कितना हो गया? 10। अब मैंने क्या सिखाया था? डोमेन में दी गई संख्याओं को फलन में रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रेंज। तो रेंज क्या मिला? 6, 8 और 10। हमें क्या बताना है, आंटू है कि इंटू है? तो बताओ, हमें सब आंटू इंटू निकालने में सिर्फ आपको क्या निकालना पड़ता है? आप बताइए, को डोमेन बड़ा है कि रेंज बड़ा है? कैसे बड़ा है? तो कहोगे सर रेंज में केवल 6 है 8 है और 10 है, और को डोमेन में तो 6, 8, 10 को छोड़कर 1 भी है 2 भी है 4 भी है और 12 भी है, है कि नहीं? तो कौन बड़ा हो गया? को डोमेन की रेंज। कहोगे को डोमेन बड़ा हो किससे बाबू? रेंज से। अतः यह फलन क्या है? इनटू। एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग थोड़ा सा बाबू प्यार से। रेंज क्या दिया है? 6 से 10। सवाल पूछा गया आंटू है कि इनटू। लिख लो बाबू, रेंज लिख लो आप लोग। लिखना भी सिखाया जाए कैसे लिखा जाता है। बाबू रेंज क्या है? तो रेंज है आपका है बाबू 6 है 8 है और 10 है, और को डोमेन क्या है बाबू आपका? तो कहोगे को डोमेन 1 है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है और 12। तो बाबू को डोमेन और रेंज मैंने सिखा दिया, हमेशा बड़ा कौन होगा? को डोमेन, या को डोमेन रेंज के बराबर हो सकता है। अब चेक करो बड़ा कौन है, को डोमेन बड़ा है कि छोटा है किससे? रेंज से। आइए, रेंज कितना है? 6, 8, 10, ये 3 मान मिल गए। लेकिन बाबू रेंज को डोमेन में इन तीनों के मान के अलावा भी और मान है ना, कौन कौन? 1 है 2 है 4 है 12 है। इसका मतलब को डोमेन में दी गई संख्याएं की संख्या रेंज की संख्या से क्या है बाबू? अधिक है। सिंपल बाबू, इसमें केवल कितने मान है? रेंज कितने मान है? 1, 2, 3 मान है, और को डोमेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान है। अर्थात कौन बड़ा हो गया? को डोमेन क्या हो गया? बड़ा। तो कहोगे सर को डोमेन इज ग्रेटर देन क्या बाबू? इस फलन यफ आफ यक्स क्या है? इनटू है कि आंटू है? इनटू फलन है। तो क्या आप लोगों को को डोमेन और रेंज का बेसिक समझ में आया? ये बाबू कुछ है नहीं, सुन लो, ये बेसिक है। ये क्या है? बेसिक। यूपी बोर्ड में 2 नंबर हो गया तुम्हारा, ऐसा ही सवाल देता है। आपका 2 नंबर हो गया बाबू, समझे? या 1 नंबर? एक नंबर तो कंफर्म हो गया। लेकिन बाबू ये मैं अभी नहीं, अभी तो ये बेसिक से भी बेसिक है, अभी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है? अभी क्या करना है? बहुत कुछ। आज केवल एक क्या था? ट्रेलर था। आंटू क्या होता है, इंटू क्या होता है, ट्रेलर ऐसे कुछ मतलब नहीं है। मूवी पूरी अभी बाकी है, रिलीज होने वाली है मूवी बाबू, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना? तो आपको जब मूवी रिलीज होगी तो थिएटर में देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखते हैं मूवी थिएटर में बाबू। तो आपके लिए बस इतना है। सब आएगा बाबू, ऐप पर बन दो।